नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या शुक्ला स्वागत करती हूं आपके अपने शो किस्मत कनेक्शन में। ग्रहों के सुधार की इस कड़ी में आज हम गुरु ग्रह की बात करने वाले हैं। गुरु ग्रह अगर आपका है प्रतिकूल तो क्या लक्षण दिखेंगे आपको, और फिर उसको अनुकूल करने के लिए क्या है आसान उपाय, आइए जानते हैं पंडित गोपाल जी शुक्ला से। हरिओम, नमस्कार। हम आजकल इस समय 4 दिनों से आपको ग्रहों के बारे में बता रहे हैं और आज पांचवा दिन गुरु के बारे में हम आपको बताएंगे। 9 ग्रहों में 5वां ग्रह गुरुदेव हैं। गुरुदेव का रंग है पीला। इनसे संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं, जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि हमारा गुरु ग्रह प्रतिकूल है या नहीं। देखिए, विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आना, बात हुई और काफी हद तक आगे बढ़ी और फिर रुकावट आ गई, अगर इस तरह की बातें हैं, विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या है या आर्थिक हानि है। आर्थिक हानि देखिए बहुत तरीके से होती है। आर्थिक हानि कि जो हमें कल तक नहीं पता था, अचानक कोई खर्चा सामने आ जाना, अचानक खर्च हो जाना, पहले से कुछ प्लान न करना और खर्च हो जाना। पैसे की आवक तो नहीं रुकती है, अर्निंग तो नहीं बंद होती है, लेकिन पैसे का संग्रह बंद हो जाता है। वो रुकावट आ जाती है उनमें कि पैसे को हम एकत्र नहीं कर पाते हैं। पैसा आता तो है लेकिन आया और गया, इस प्रकार की समस्या। या किसी भी प्रकार में आपको लगे कि पढ़ाई में रुकावट आ रही है, पढ़ाई में किसी भी प्रकार रुकावट, कभी आपको लगे कि हमारा स्कूल में कुछ ऐसा टीचर से कोई प्रॉब्लम है, या हमारी पढ़ाई में प्रॉब्लम है, या हमारी पुस्तक में कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से हमारी पढ़ाई में रुकावट पैदा हो रही है, कुछ ना कुछ अड़चन आ रही है। आपको ये भी लगे कि अध्ययन सामग्री हमारी जो है, जो हमारी पढ़ने वाली वस्तुएं, उनका कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा, पेन गायब हो जाना, किताब का फट जाना, किताब का गायब हो जाना, या किताब जो चलनी नहीं है वो हम ले आए, राइटर दूसरे हैं, हम दूसरे राइटर के ले आए, कुछ ना कुछ इस तरह की आपको लगे कि अध्ययन सामग्री में भी परेशानी हो रही है, उनका भी नुकसान हो रहा है। या आपको लगे कि आजकल हमारे सर के बाल ज्यादा झड़ने लगे, ज्यादा गिरने लगे हैं, या पीले वस्त्र जब भी आप पहनते हैं तो आपको कोई ना कोई समस्या हो जाती है। इस तरह की समस्या अगर आपको ये लगे कि सब अच्छी बातें करते हैं उसके बावजूद हमारा किसी ना किसी से तू तड़ाक हो जाता है, बहसबाजी हो जाती है, सही होते हुए भी गलत हम ही को साबित कर दिया जाता है, जब आपको ऐसा लगे कि ये चीजें हमारे साथ हो रही है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका गुरु ग्रह प्रतिकूल है, उसी से संबंधित आपको परेशानियां हैं। तो आप अगर उसी से संबंधित उपाय करें, कोई जप करें, कुछ पहने, अगर इनसे अगर ठीक हो सकता है तो आपको जरूर करें, और फिर देखें उसका आपको लाभ बहुत मिलेगा। कि आप क्या करें कि गुरु ग्रह हमारे लिए अनुकूल हो जाए। सबसे पहले आप केसर का उपयोग अधिक से अधिक करें। केसर का उपयोग अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें केसर की एक पत्ती जरूर डाल के पिए। दूसरा, केसर का तिलक आप जरूर करें, चाहे मत्ते पे करें, अगर मत्ते पे ना सही तो पेट की नाभि में, नाभि के स्थान पे केसर का तिलक करें, या केसर को परमानेंट हर समय अपने पर्स में कुछ ना कुछ उसको रखना, एक पुड़िया थोड़ा सा 2-4 पत्तियों को अपने पास रखना जरूरी है। केसर का अधिक से अधिक उपयोग करें। पीपल या केले के वृक्ष पे जल दान अवश्य करें, जल जरूर चढ़ावें। अगर केले वृक्ष पे चढ़ा रहे हैं तो उसमें देखिए हल्दी डाल लें, थोड़ा सा गुड़ उसमें डाल लें, और उसके बाद अगर केले वृक्ष को अर्पित करें जल, बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप दान भी कर सकते हैं, जैसे बेसन का लड्डू है, केला है, या चने की दाल है, इनमें से कोई भी चीज आप बृहस्पतिवार को दान करें
तो आपका गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा। उसके अलावा बृहस्पतिवार को ही अगर आप गाय को आटे की लोई, एक आटे की लोई बना के उसमें थोड़ा सा गुड़, थोड़े सी चने की दाल और थोड़ी सी हल्दी डाल के और फिर लोई बना के वो अगर गाय को आप खिलाएं, ये भी बहुत अच्छा उपाय है, इससे भी बहुत लाभ मिलेगा आपको। और केला, देखिए इसमें जड़ हम आपको जो नग है, स्टोन है, पुखराज जैसे होता है, लेकिन पुखराज आपको हम नहीं बोलेंगे, उसकी राय नहीं देंगे आपको कि आप पुखराज पहने, आप पुखराज ना पहने, बल्कि उसका सब्स्टिट्यूट भी ना पहने, उसकी जड़ जो गुरु ग्रह की है, केला या पीपल, केला या पीपल, इनकी जड़ अगर आप पीले धागे में या पीले वस्त्र में बांध के अपने दाहिने हाथ के बाजू में अगर आप पहनते हैं या गले में धारण करते हैं, आपका गुरु ग्रह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम आपको मंत्र भी बताते हैं, दो मंत्र हैं, एक बीज मंत्र, एक गायत्री बृहस्पति मंत्र। अगर इन मंत्रों का भी आप जाप करेंगे तो भी बहुत लाभकारी होगा। पहला मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः। दूसरा गायत्री बृहस्पति मंत्र है ओम आंगिर्षाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। फिर से इसको सुनिएगा, ओम आंगिर्षाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवः प्रचोदयात्। ये गायत्री बृहस्पति मंत्र है, आप इनमें से कोई भी एक मंत्र करें, आप वही मंत्र करें सुविधा अनुसार, जो आप आराम से कर सके बिना गलती के, आप वही मंत्र करें। आप देखिए इनमें से कोई उपाय, कोई मंत्र, कुछ भी करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा, गुरु ग्रह आपका अनुकूल हो जाएगा। पूरे विश्वास के साथ आप ये करें, आपको अवश्य लाभ होगा। हरिओम, नमस्कार। तो जैसा कि आपने सुना कि अगर आपके विवाह में अड़चने आ रही हैं या फिर पैसा नहीं बच रहा है, तो जरूर आपका गुरु ग्रह अभी अनुकूल नहीं है। इसके लिए अगर आप पंडित जी द्वारा बताए गए आसान उपायों को करेंगे तो आप अपनी इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, अगले एपिसोड में हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की, इसलिए जुड़े रहिए किस्मत कनेक्शन के साथ। नमस्कार।